भर हो गई, ऐसी बारिश पड़ रही है, कभी तेज कभी धीमी, कभी तेज कभी धीमी, पूरी रात हो गई है बारिश पड़ गई। और अभी तो कहीं से कहीं तक भी भगवान जी खुलने का नाम नहीं ले रहे। बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरा लगभग आधे से ज्यादा दिन जा चुका है और पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है रात भर से। बच्चे अंदर कैद हो गए हैं, आज बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। बारिश की वजह से बाहर का तो कोई काम हो नहीं रहा था, तो हमने सोचा घर पे बैठ के यही कर लेते हैं। तो मम्मी ने मेरे को कुछ साड़ियाँ दे दी अपनी पुरानी और इनको बोला एक साइड से सबको सील दो, तो मैं बस वही सील रही हूँ। देखिए क्या बना है, ये इतना लंबा चौड़ा नीचे बिछाने का जो है पल्ली टाइप बन गया है, जिसको दरी टाइप बोल सकते हैं, पतला पतला। और ये ना मतलब इतना बड़ा बना है कि देखिए इसको पकड़ने के लिए चार बंदे चाहिए, तब इसकी तय बन रही है। दो बंदों से तो बन ही नहीं पाई थी, इतना बड़ा बन गया है ये। और इसका यूज़ ये होगा कि जब हमारे गेहूं कटेंगे तो उन गेहूं के नीचे जहां पर भूस पड़ता है ना मशीन से, वहां पे उसके नीचे हम इसे बिछा देंगे, तो उससे क्या होगा हमारा भूस सारा इसी के ऊपर रहेगा, झाड़ू मारने का झंझट खत्म हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा फायदा होगा इससे बिछाने का। और इसकी तय बना देते हैं। मारता है ये, बहुत शैतान है। आज इसने पुरु ने इसका इलाज बांध दिया। क्या कर रहे हो आप पुरु? तो मारता है ना? ये सब बच्चों को मारता है गांव में। आज इसका इलाज हो गया, पार दिया, कान पार दिया। अच्छा कहाँ जा रहा बच के, कहाँ जा बच के? आज तो सही फंस गया। पुरु छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। नहीं उसको आई हो रही है, अब छोड़ दो। नहीं पिटाई कर दूंगी, छोड़ो, आई हो रही है उसको। जल्दी जा इसकी माँ को बुला। हट जाओ, अरे बेटा छोड़ दो उसको। अरे भैया नंगे पैर है। इस बच्चे ने श्रेय की पिटाई कर दी थी और पुरु की ट्रॉफी छीन रहा था, इसलिए पुरु उसको मार रहा है। आगे से हटो, कान पकड़ के छोड़ दो बेटा, बस बहुत हो गया, छोड़ दो, छोड़ो। अरे जा अपने घर पूरा, छोड़ दो। अरे भैया तीतर हो रहा है, जान बचानी भारी हो रही बच्चे को। पता रखा तैने से कहाँ जाएगा, आ लिया मुड़ के देख रहा, पकड़िए मुड़ के देख रहा बच्चा, बार बार आ रहा है नहीं यार। बस पुरु आ जाओ बेटा, सारे गांव का चक्कर कटा होगा इस बहाने। आप मेरा गांव भी देख लो, इधर से दिखाना रह रहा था तो ये गांव भी देख लो, इस गली से निकल के आओ तो इधर गांव खत्म हो जाता है। पुरु चलो बेटा चलो, आज तो इलाज बांध दे, आप तो दोनों पकड़ लिए। छुड़ा दो भाई, छुड़ा दो। अरे मम्मी आ जा, छुड़ा दो, छुटना छोड़ दे। ओ लाला, इंगे को भाग जल्दी भाग। छोड़ दे, आप छोड़ दे, पुरु को छोड़ दे। चल रोवे ना, चल पकड़ ले पूर्वे पकड़ो, हाँ जाओ पकड़ लो। अब थक गया वो, भाग के आया था जब तक से पकड़े, जरा हमारे पीछे छोटा बड़ा का ए, फिर भाग लिया। शेर तो हम क्या करें, जब नहीं छोड़ रहा शेर, सुनाई ना वापस आने के, पकड़ के लाना पड़ा इसे। उसके पीछे भागा ही जा रहा था। वीर बहादुरी का अवार्ड पुरु को आज तो ऐसे कान फाड़े उसके। अरे तो उन्होंने पकड़ लिया पब्लिक वाला के जाके, किसे मार रहा था वो, श्रेय को मार रहा था, किसको मार रहा था, ये छीन रहा था। ओहो, इसे तो भी छीन रहा था। छीन रहा था आपसे,
उसके तो ऐसे और पोपली के बारे जाके तो दोनों पकड़ लिए। गौशाला में से एक गाय कम हो जाएगी क्योंकि हमने एक गाय बेच दी है, तो आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी गाय बेची है। ये देखिए टेम्पो आ गया है गाय को ले जाने के लिए। ये गिनती शुरू हो गई है पैसों की, गिनो। शुरू में ही भूल गया, ये वाली गाय हमने बेच दी है गौशाला में से, ये अब काम हो रही है हमारी गाय। चलो खोलो भैया खोलो, चले लगाओगे ना भाई? ये उसकी सखी सहेलियां बेचैन हो रही है, वो परेशान है, उसकी बहन बेच दी, सारी परेशान होगी। अभी बच्चे देखो कैसे चुपक के बैठे हैं। ये जा रही है अब हमारी गाय। ये पजामा आज इन्होंने ऐसा पहन रखा जैसे जेल में कैदी को नहीं रखते ऊपर ऊंचा ऊंचा पजामा। ये देखो कबूतर उड़ा रही है, देखो देखो कबूतर उड़ा रहा, उड़ा उड़ा यो कबूतर मेरे डूंगे पे बैठा। सारे हमारे घर के जितने बच्चे हैं और बड़े हैं सब इसी गाने पे कबूतर उड़ते हैं हमारे घर में। देखो कबूतर उड़ रहा है, कबूतर ज्यादा भारी ज्यादा भारी कबूतर है भाई, उड़ नहीं पा रहा, एक ही टांग उड़ रही है कबूतरी की, ज्यादा भारी कबूतरी भाई। एक बार और लगाओ जो और कबूतरी उड़ेगी, एक ही टांग तो उड़ रही बस, एक साथ उड़ाओ दोनों, उड़ाओ उड़ाओ उड़ेगी। हाँ ऐसा आओ पीछे से, ये पतली कबूतरी उड़ रही है अब पतली, देखो 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 कबूतरी ने बंदरी की बच्चे की तरह अपना कबूतरी ने बच्चा चिपका रखा। मेरे घर में सब एक से एक बड़ी नौटंकी मिलेगी देखने को, देखो देखो बिना उसके डांस हो रहा है, बिना गाना बजाए डांस। ए, देखो बच्चा पार्टी भी, किसी म्यूजिक की बस हल्ला मचा दो सारों के डांस शुरू हो जाते हैं और गांव वाले तमाशा देख रहे हैं। देखो वो वहां से देख रही है, हटना हटना हटा हटो हटो हटो। देखो ये महावीरी यहां से देख रही है हमारा ड्रामा और अपना फोटो खिंचवाती नहीं है, मेरे दांत आ गए हैं। बागी बागी रेल बन रही है, रेल बनाओ बनाओ रेल बनाओ 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 रेल बनाओ रेल बनाओ। अरे क्या कर रहे हो, रेल भी नहीं बनानी आ रही, चलो रेल चली रेल चली, छुक छुक करती है, लुढ़क गया इंजन ही, लुढ़क गया भैया इंजन लुढ़क गया। चली चली रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, इंजन इंजन साथ नहीं दे रहा, डिब्बे भाग गए, अब डिब्बे भाग, छुक 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 करती रेल चली, छुक 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 करती रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, कहाँ कहाँ जाएगी रेल, रेल के तो डिब्बे भी खर गए, रेल के डिब्बे भी खर गए। जब अपनी बहू नहीं थी ना, कंबल अब बात ना चपरा में, हाँ लव स्टोरी में बात चपरा रहा, हाँ बात चपरा रहा, चुप हो जाओ। हाँ भाई मुरारी बताओ जल्दी, कुक करती बात भारी, मुरारी कुछ नहीं, अब अपने पोते थोड़े चलता मुरारी, तो देख देख चपर गया, कहाँ चपर है लव स्टोरी तो, हाय भाग गया मुरारी, तो सब चलती रहे। ये देखिए मेरे घर के पास ये पेड़ है बिल्कुल, और इस पर इतने सारे गुलाब के फूल खिल रहे हैं, आज पूरा रेड रेड हुआ पड़ा है ये, और कुछ तो बच्चों ने तोड़ दिए, कुछ पूजा करने वाले रोज तोड़ के ले जाते हैं, उसके बावजूद इतने फूल खिले हुए हैं आज इस पे, पूरा रेड हो रखा है।
ये देखिए जामुन का पेड़ है मेरे घर के सामने, बड़े वाला सूख गया है, अब ये छोटे वाला ही है और इस पे देखिए मोल आया हुआ है, अब इस पे फूल बनेंगे और उसके बाद जो है जामुन और मई के एंड तक बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएंगी और फिर से मैं गांव आऊंगी तो हम तब आपको दिखाएंगे कि हमारे इस पेड़ पे कितनी मोटी मोटी और मीठी जामुन आती है। वीडियो को देखिएगा एंड तक, इसमें आपको बहुत सारे फल फ्रूट के फूल पौधे और सब दिखाई देगा। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं जा रही हूँ दूध देने के लिए डेयरी पर, क्योंकि दूध जा रहा एक्स्ट्रा हो रहा है, जिनके पास जा रहा था वो कहीं गए हैं बाहर, तो आज हम जाए एक्स्ट्रा दूध डेयरी पर देने जाएंगे। डेयरी हमारे गांव में नहीं है क्योंकि हमारा गांव बहुत छोटा सा है, जैसे कि आपने देखा भी है, तो हम जाएंगे दूसरे गांव में और 11 नंबर की बस पकड़ के माटी माटी। चलिए आपको दिखाते हैं हम दूसरे गाँव में कहाँ आने वाला है, बहुत लंबा, तो हम आने वाले हैं शॉर्टकट, तो देखिए शॉर्टकट में हम जाएंगे इधर से निकलते हुए। ये स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं गांव में वो है ये, और हम उसके बीच में से निकल के जा रहे हैं। बाग बहुत है, जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया है, और एक बाग ये भी है जिससे हम निकल कर जा रहे हैं और घोड़ा चल रहा है, हरी हरी घास। ये भी एक छोटा बाग है, बड़ा बाग मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा जाने के लिए, और वो बहुत दूर भी है और अंधेरा रहता है उसमें, इसलिए मैं नहीं। देखिए इस तरफ भी है हमारे, और इन पे ना आमों पे अब सभी पे मोल आया हुआ है, छोटी छोटी आम भी अभी बन रही है, और एक बाग आगे भी आने वाला है। बहुत सारे बाग हैं हमारे यहाँ पर, आम की फसल इतनी होती है, बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है हमारे यहाँ पे, आम जो है हमारे यहाँ से हर जगह जाता है और हर तरह की वैरायटी भी मिलती है हमारे यहाँ। लंगड़ा चाहिए, लंगड़ा, फर्जी, ये वो, चौसा, बहुत सारी वैरायटी आती है, सब मिल जाता है हमारे यहाँ। हमने जो देखे थे वो आम के बाग थे, बट इस वक्त मैं लीची के बाग में हूँ, और इस पर भी देखिए, इस पर भी मोल आया हुआ है अभी तक, अभी पर इस पर कुछ बना नहीं है, जैसे छोटी छोटी आंबियाँ बन रही थी तो अभी इस पर कुछ नहीं बना, सिर्फ मोल आया, और काफ़ी बड़ा बाग है ये भी लीची का हमारे यहाँ पे। तो फल भी आपको अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे, जैसे अमरूद भी मिलता है, लीची भी मिल जाएगी, नाशपति मिलेगी, और आम तो भरपूर मिलता है। अभी तक खेतों के बीच में थे, अब बाग के बीच में से निकल के जा रहे हैं। ये शॉर्टकट रास्ता है, इससे हम दूसरे गांव जल्दी पहुंच जाएंगे। अमरूद का बाग भी आ ही गया, धीरे धीरे करके मैंने आपको सारी बाग दिखाई दिया अपने यहाँ के, और अभी अमरूद पे वो नहीं आ रहा है, ना तो फूल आ रहा है ना फल आ रहा है, क्योंकि सर्दियों में आएगा अमरूद ये जितना भी है। आगे बढ़ते हैं, अनगिनत आम हो रहा है हमारे यहाँ पे, इतना हर तरीके का वो मिल जाता है हमें, सारी सुविधा। तो हमने एंट्री कर लिया अब दूसरे गांव में, अब हम जा रहे हैं, हमें डेयरी का पता पूछना पड़ेगा क्योंकि पहली बार है, पता नहीं है मुझे कि डेयरी किस नाम से होगी, कहाँ पे होगी, नाम तो पता दिया घर वालों ने कि इस नाम से है। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो हमने पता पूछ लिया है डेयरी का, थोड़े से आगे और हमें जाना है, तो घुमा दो ये डेयरी। चलिए अपना दूध भी नपवा लेते हैं, है कहाँ डेयरी वाला, बुलाओ तो डेयरी वाले भैया को। डेयरी वाले भैया मेरा दूध नाप लो, डेयरी वाले भैया मेरा दूध नाप लो। ये देखिए इसका सैंपल, हमें फैट नपवाना है अपने दूध का, ये सैंपल ले रहे हैं भैया। पूरा प्रोसेस देखिए आप, कैसे कैसे दूध का फैट लिया जाता है। आपको भी अपना दूध डेयरी पे देना हो तो आप भी दे सकते हैं। फोटो ना खींच रहे हैं, हम तो वीडियो बना रहे हैं। लो हम तो मशीन का ले लेंगे भाई, जिसे शर्म आ रही। ध्यान नहीं हो रहा क्या आपका? अभी ना हो। ओहो, इसीलिए डर लग रहा है आजकल लोगों को, हमारा वीडियो बना लिया, ध्यान नहीं होने का हमारा वीडियो बना के। जब तक ये सारा प्रोसेस चला तब तक हमने भैया से बात की और थोड़ी बहुत जानकारी ली। 80 पैसे तो ये दूध हमारा रेट आया, हमारा जो दूध जाएगा 47 रुपए। और ऐसा ना इतना ना मुझे समझ में आने का, मुझे तो बस इतना पता 39 रुपए 80 पैसे पर केजी हमारा, हाँ पर लीटर हमारा दूध जाएगा। हाँ ये इसका तो दूध नाप दो जितना भी, उसका तो सैंपल ही नाप लेना बस, लगभग 40 रुपए का जाएगा, है ना? इससे ज्यादा हो सकता है? अच्छा ज्यादा भी हो सकता है। प्रोसेस सेम ही रहने वाला है, बस बाद में रेट देखते हैं कि हमारा इसका रेट कितने आने वाला है। इस वाली गाय का हमारा है 34 रुपए 90 पैसे, इसका कम है। चलो भैया जितना भी है ना, आपको कितना तो बढ़ जाएगा। हाँ तो बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, अभी तो जो आज का रेट है वो यही है, आज का यही है, अब देखते हैं कि कितने लीटर दूध होता है हमारा। तुम रोज आ जाओ। आ गई मैं तो, बना ली मैंने, कितना हुआ? 4 किलो 63 ग्राम। इतना तो पड़ी है, 161 रुपए 77 पैसे का आज का हमारा दूध हुआ। चलो डोल हो गया खाली, बड़ा बोझा बोझा लग रहा था, अब मैं बड़े तसल्ली से इसको ऐसे हिलाते डुलाते जाऊंगी आराम से, तब तो ऐसे मुझे लटका के हैंड में आना पड़ रहा था इसको, और 161 रुपए 77 पैसे का दूध देके आई हूँ मैं आज। अब देखो कल कितने का जाता है, अगर कल मैं देने आती हूँ तो।
अब आपको अपना पूरा गांव दिखाती हूँ। आधा आपने देखा हुआ है, जिस साइड मेरा घर है वो साइड आपने कई बार देख ली, मैं आते जाते वीडियो बनाती हूँ तो दिख जाता है। अब जो दूसरा साइड है मैं वो आपको दिखाती हूँ। उस साइड में कुछ घर, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ पे कुछ घर नाई के उसके हैं, बाकी पूरा गाँव एक ही बिरादरी का है। ये इस तरफ से, उस तरफ से घूम के भूमिया से अगर आप सीधे आ जाते हैं तो इस तरफ ये दो चार घर जो है वो नाई के हैं, बाकी पूरा गाँव रवा राजपूत है। बल्कि अब एक दो घर जो है और बिरादरी का भी, बस मुश्किल से 40-50 घर मुश्किल से होंगे और कईयों में तो अभी भी ताले ही लगे हुए हैं। मेरे गांव में दो मंदिर हैं, एक वो जिसकी वीडियो आपने देखी है प्रसाद मेले में जिसमें चढ़ रहा था, दूसरा मंदिर ये गांव के पीछे की तरफ है, दोनों में पूजा पाठ होते हैं। ये पुराना मंदिर है और ये गांव का एंड है। इस तरफ ये दूसरे गांव जाति के लोग जो मैंने आपको बताया वो है, और वहां जो आपको दूर दिखाई दे रहा है वो दूसरा गांव है। यहाँ हमारे यहाँ से दिखाई देता है, वो निकल के आया ट्रैक्टर खेतों से, और हमारा जो गांव है वो बिल्कुल खेतों के बीचों बीच बसा हुआ है, चारों तरफ सिर्फ खेती। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा नोटिफिकेशन के। तब तक के लिए राधे राधे।